العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيز طلبي الكرام. الله كريعاب. خش حاله. سهت منده. और नमाज़ों के अहतमाम करने वाले हों पुराने करीम की तिलावत लाजिम करने वाले हों गशा सबक में हमने शोर एसाब की चंद आयतों की तिलावत की थी और आज के मजलिस में हम इनशा तिलावत करदा आयात का तर्जमा करेंगे और उससे मतलब जो ज़रूरी गुफ्तु हो सकती है इनशा उसकी तरफ़ भी आपको मुतवज़ करेंगे और सुर अह, लफ्ज़ अहज़ाब से मुतालिक भी दो चंद बातें इन आपसे से करेंगे बसमिल्लर कल हमने तिलावत की थी माजालाकलबिनफ़ी जवी ही इन इनायात का तर्जुमा ये है जिसे हमने कल इसके पस मंर में कल बात कही थी कि अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए और तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हैं तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हैं या करते हो तुम्हारी माए नहीं बनाया तुम्हारी माए नहीं बनाया यानी कल हमने बात आपके सामने अर्ज़ की थी जैसे जाहिलियत में था कि अगर शौहर अपनी बीवी की पीठ की मिसाल देकर कहे कि तू मेरे लिए मेरे माँ के पीठ की तरह है यानी कि मेरे माँ की तरह हराम है मुझ पर तो ये इस तरह से कहने से ये तुम्हारी बीवियाँ वाकियाता तुम्हारी माएँ नहीं बन जाती वो तुम्हारी बेविया ही हैं जिसने जना है वह बहरहाल वो माँ है बीवी ने नहीं जना है बीवी तो किसी और की पैदाशुदा है अल्लाह ने उसको तुम्हारे हवाले किया है अब उसको इस तरह से माँ के आजव के साथ तशबी देकर माँ बना लेना यह शरीयत में जायज़ नहीं है अलबत् उसे तो कफ़र अदा करना पड़ेगा और तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया वमा जा अदया अकुम अब अकुम और तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया इसलिए कल हमने एक बात कही थी आपसे रूहानी कुरबत चाहे जितनी हो लेकिन वो नसबी कुर्बत की तरह नहीं हुआ करती और रूहानी कुर्बत पर नसबी कुर्बत के अहकाम जारी नहीं होते बेटा तो इंसान का वही है जो मर्द जन और मियाँ बीवी की मुलाकात के ज़रिए अल्लाह ताला इनायत फरमाते हैं किसी को गोद लेने से वो नुतफ़े का बच्चा नहीं होता और न के बेटा बन सकता है के खातिर दिल का ताल्लुक़ औरबत का ताल्लुक़ एक अलग नोयीत है लेकिन मेरासी अहकाम उस पर जारी नहीं होंगे ये तुम्हारी मुँह से कही भी बातें दारकुम अफवाह हुकुम ये तुम्हारी अपनी बातें हैं तुम्हारे मुँह से मुँह से कही भी बात का मतलब ये है कि शर्यी तौर पर ऐसी बात का एतबार नहीं होता इसके अपने अहकाम दूसरे हैं ठीक है आप उनको करीब रखिए उनसे ताल्लुक़ रखिए उनको लिखाइए पढ़ाइए उनको तहजीब सिखाइए सब कुछ सही है लेकिन वो तुम्हारे नसबी और सुलभ ओलाद नहीं हो सकती यानी ज़बानी जमा ख़र्च से क्या होता है अल्लाह तरी बात फरमाते वल्ल यक़ुल हक अल्लाह हक बात फरमाते हैं खरी बात फरमाते हैं वह दिसल और वो सीधा रास्ता दिखाते हैं बस आपके आ, किसी इंसान को यूं ही कह देना कि मेरा बेटा है ये जायज़ नहीं है हाँ मोहब्बत में क़ुरब तल्लक़ में और शफ़ाक़तन किस को कहना एक अलग चीज़ है लेकिन सुलभी एतबार से एतबार किया जाए इसके शरीत में गुंजाइश नहीं है उनको उनके बापों की तरफ मनसूब करके पुकारो उदओ होम ला इहिम उनको उनके बापों की तरफ मंसूब करके पुकारो यानी पहले बच्चे का नाम लो और फिर उसके बाप का नाम लो गरचे उसका बाप दुनिया में न हो लेकिन बहरहाल वो पैदा तो बाप से ही हुआ है बाप के सुलब से ही वो मादर रहम में मुंतकिल हुआ है तो उसका अपना एक बाप है इसलिए ऐसे बच्चों को उनके बापों के साथ पुकारो ताकि नस्बी तल्लक़ वहकाम में इजतबा वक़े न हो नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वम नेजरत जैद बिन हारिसा हजरत जैद बिन हारिसा और को तज़ करके बेटा बनाया था लोग जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक उनको जैद बिन महम्मद कहते थे जैद बिन मोहम्मद कहते थे एक ताल्लुक था पैगम्बर आल सलाम से मोहब्बत थी उनको भी मोहब्बत थी हज़र पाक आलाम ने अपने बेटा बना लिया था तो जाहिलियत की आदत की वजह से लोग जैद बिन मोहम्मद कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम लेकिन जब यह आयत नाजिल हुई तो अब लोग जो जैद बिन हारिस कहने लगे जैद बिन हारिस तो चूँकि हज़रत जैद रजी अल्लाजरत हारिसा के फ़र्जंद थे लड़के थे हजरत भाग सल्हलम के सुलभी लड़के नहीं थे लेकिन ताल्लुक इतना था कि लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे तो कुरान करीम ने उसकी असलाह की और फ़रमाया कि नहीं ये जैद बिन हारिसा हैं जैद बिन मोहम्मद नहीं हैं ये अल्लाह के नज़दीक इंसाफ़ की बात है अक्सर तो आंद ला य के नज़दीक इंसाफ़ की बात है देखिए इंसाफ जुल्म की ज़िद है इंसाफ़ की ज़िद है और जुल्म के माना है हक़ तलफी किसी का हक़ मारना और किसी के साथ बेइंसाफी करना और इंसाफ़ के माना क्या है किसी को उसका हक़ देना किसी को उसका हक़ देना इंसाफ़ से करीब करना बेइंसाफी से दूर रखना अब जो हकीकी बाप जिसका है उसको उसकी वलदियत के साथ याद करना पुकारना ये इंसाफ़ है ये हक है और उसके वलदियत को छोड़ कर किसी और के नाम के साथ पुकारना ये झ्यादती है और कुरान इसको बर्दाश्त तो नहीं करता फिर कुरान आगे कहता है बस अगर तुमको उनके बापों का पता ना होम तलम फम तम आबा बस अगर तुम्हें उनके बापों का इल्म न हो फ़ैनकुम फिर द्दीन व मवाली कुम तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे आज़ाद करदा हैं तुम्हारे दीनी भाई व मवाली कुम और तुम्हारे आज़ाद करदा हैं बस उनको अखो फलान या मौला फ़लानिन कहो फला के भाई या फला के आज़ाद करदा और फिर ये के तुम पर कुछ गुनाह नहीं भूल चुक से पुकारने में अगर भूल चुक हो रही है तो शरीयत ने भूल चुक के गुनाह को माफ़ किया है लेकिन जानबूझ के गुनाह को माफ़ नहीं जबान पे जो बात चढ़ी हुई होती है उसको भूल चुक कहा जाता है बाज़ मरतबा इंसान ख़यालन और कसदन कोई बात नहीं कहता बल्कि रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक या माशरती ज़िंदगी के जमलों के एतबार से ज़बान पर कुछ अल्फ और जुमले चढ़ जाते हैं जिसको इंसान भूले बे कह उठता है इसलिए ऐसे कस्मों पर ऐसे जुमलों पर माखज़ा नहीं है कुरान करीम ने जगह इरिशात फरमाया लाखल्ला अल्लाह कुम्ला तुम्हारी गलत खाईवी या ही खाई कसम इतबार नहीं करता माफ़ कर देता है लेकिन वाल तमाम मदद गलूब कमी लेकिन जानबूझ कर जो कस्में खाई जा रही हैं वह बहरहाल वबिल गिरफ्त होती हैं तो ऐसे ही जो बात आपके ज़बान ज़द हो और भूल से कही जा रही है तो काबिल गिरफ्त नहीं है उसमें गुनाह नहीं है हाँ इरादतन पुकारने से गुनाह है इरादतन पुकारने से गुनाह क्योंकि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी है और अल्लाह अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले नहायत मेहरबान हैं इन्हें तोबा करो तो अल्लाह ताला तोबा के ज़रिए से गुनाह माफ़ करने वाले हैं इसलिए इंसान को हमेशा अपने गुनाहों की तरफ नज़र करके तोबा करनी चाहिए और फिर आगे अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ताल्लुक और आपके मोहब्बत के मुतालिक फरमाते हैं अन्नबी अवला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बादुहुम अवला बिबादिन फी किताबिल्लाह मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन

कि नबी पाक वसल्लम से ताल्लुक हमारा आपका पूरी दुनिया इंसानियत का इंतहाई करीब करीब से करीब तर होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात पूरी उम्मत की माएँ हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे हमारी अपनी माए हैं जिनसे हमने आपके जिनसे हम पैदा हुए हैं उस तरह से नहीं बल्कि अदब एहतराम की तरह हमारी माएँ हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झाग ग्रामी पूरी उम्मत के लिए बाप के मकाम पर है लेकिन उस तरह से बाप नहीं जैसे हमारे अपने बाप होते हैं बल्कि अदब अहतराम और आपके तकरीम के अतबार से कुरान करीम के आयात किसके तरफ मशीर हैं अल्लाह फरमाते हैं और यहाँ पर हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती सैद अहमद साहब पालनपुर रमतल ने इस बाब में बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं और इन शाह तो किसी मौके पर हम आपको बतला भी देंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का इस उम्मत के साथ क्या ताल्लुक है जी अल्लाह पाक फरमाते हैं देखिए फरमाते हैं हजरत सईद मुफ़्ती सईद साहब पालनपुर कि अल्लाह पाक रूहानी कुरब ख़ाह कितना भी हो रूहानी कुरब ख़ाह कितना भी हो फरमाते हैं रूहानी कुरब ख़ा कितना भी हो उस पर नसब के अहकाम जारी नहीं उस पर नसब के अहकाम जारी नहीं हो सकते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम और में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि और वमिन में गायत दर्जा कुर्ब है मोहब्बत है और फरमाते है को उम्मत के बाप है और आपके अजवाज उम्मत की माएँ हैं मगर ये रूहानी ताल्लुक है चुनान चमिना से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जायज़ है हालांकि वो बेटियां हैं और अजवाज से मुमिनीन को पर्दे का हुक्म है हालांकि वो माए हैं क्योंकि ये रूहानी ताल्लुक़ है इस पर नसब के अहकाम जारी नहीं हो सकते दूसरी बात यह फरमा रहे हैं कि हजरत के बाद महाजरीन व अनसार में मुआखात कराई गई भाईचारगी कराई गई और भाइयों में इस दर्ज मौदत और मोहब्बत का ताल्लुक हो गया कि इब्तदा उसकी बुनियाद पर मीराश दिलवाई गई मगर बाद में ये खत ये हुक्म ख़त्म कर दिया गया दारों को मीरास का मुस्तही करार दिया गया क्योंकि दीनी अख़वत और दीनी मोहब्बत और मवदत पर मीरास के अहकाम जारी नहीं होते क्या फरमाते हैं कि दीनी अख़वत और दीनी मददत पर मीराज के अहकाम जारी नहीं होते नबी ताल्लुक मरास की बुनियाद है तो इस अतबार से यहाँ पर, पर कुरान करीम फरमा रहा है कि अन नबी अवला बिलुमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनीन से उनकी ज़ातों से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं नबी पाक सल्ला वम मुबिन से उनकी ज़ातों से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और क्यों वह हमारी हमदर्दी में फरमाते हैं कि हम खुद हमारी वैसी खैरखाई नहीं कर सकते जैसी आप मुमिनीन के हक में बमज़िल बाप के हैं बल्कि इससे भी बड़े मर्तबे के सुनने अब दाऊद में एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्हल फरमाते हैं इन नलकुम बे मंजिलवालिद इन नम अनकुम बे मंजिलतलवालिद मैं तुम्हारे लिए बमज़िल बाप के हूँ और हज़रत अब बिन काबर रजी अल्लाह तिरत में अननबी अवलाब्न के बाद वह अब अब भी है और आगे फरमाते हैं और आपकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं उम तुहम वजवाज हो उमह तुहम और आपकी बीबियाँ उनकी माएँ हैं और ये माएँ रूहानी अतबार से हैं इता और इताश्यारी के अतबार से हैं और फरमाें और कराबत दार एक दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं कराबत दार वरह बाउला बद्दिन फ़ी किताबिल्ला और कराबत दार एक दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं नविशत इलाही में फी इलाही में बनिस्बत दूसरे मुमिनीन और महाजरीन के बनिस्बत दूसरे मुमिनीन और महाज्रन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद महाज्रन व अनसार में से दो दो आदमियों को आपस में भाई बना दिया था और इस अखवत की बुनियाद पर मीराश भी मिलती थी बाद में जब महाजरीन के कराबतदार मुसलमान हो गए तो आपके नाता को भाईचारगी से मुकदम कर दिया गया मगर यह कि तुम अपने दोस्तों से कुछ सलूक करो इल्ला अंतफ़ाल मारूफ़ा मगर एक कि तुम अपने दोस्तों से कुछ सलू करो ये बात भी नविशत इलाही में है क्या करा करतफ़ाल इला का मारूफ़ा मगर कि तुम अपने रिश्तेदारों की तरफ कुछ भलाई करो का नजार कफिल किताब मस्तूरा ये भी इलाही यानी किताब अल्लाह में मस्तूर है यानी महफूज है लिखा मस्तूर इसमा मफूल का सीगा सतारा से लिखा हुआ

वहीदिन नबीन मीर्म व मिन का रब से व मिन नू से इब्राहिम और मूसा और ईसी के बेटे मरियम के बेटे ईसी से वदिन मीर्सा कन गद और हमने उन सबसे मजबूत अहदोप लिया लियस अलसादी अनसदीम ताकि सच्चों से उनके सच के बारे में तहक़ीक करें ताकि सच्चों से उनके सच के बारे में तहक़ीक़ करे और मुनकिरों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार की वह आयद दलील का फ्रीन आजा बन और मुनकिरों के लिए दर्दनाक सजा तैयार की।, की ये चंद आयात थी जिसकी तरफ हमने इशारा किया और इनशाला अजीज अगली मजलिस में हम